एवरीवन नमस्ते कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो मैं कब की उठ चुकी हूँ अभी नहीं उठी हूँ मैं क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत अच्छी धूप लग चुकी है बाहर और अभी तो मुझे क्या करना है मुझे सबसे पहले काम करना है घर की सफाई करनी है तो चलो फटाफट से घर की सफाई कर लेती हूँ और आपको थंबनेल देख के पता तो लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी मैं जा रही हूँ कहीं वो सरप्राइज है आपके लिए तो सरप्राइज़ तो क्या बट ऐसे ही मतलब सस्पेंस है लाइक like दैट है ना तो अभी मैं फटाफट से क्या करूँगी सबसे पहले तो मैं सफाई कर लेती हूँ क्योंकि भैया चला गया है गाँव और पापा गए हैं ऑफिस विजय गया है वो भी ऑफिस ही गया है तो अब मैं फटाफट से क्या कर रही हूँ सफाई कर लेती हूँ और शाम के लिए मुझे खाना बना के जाना पड़ेगा क्योंकि पापा से काम कहाँ करवाना फिर विजय भी थक के आएगा तो चलो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड तो अब मैं यहाँ पर बिस्तरा कर रही हूँ और मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ वन टू थ्री और ये मैंने फटाफट से बिस्तरा कर दिया आज मैं आपको बताती हूँ कि कितनी अच्छी धूप लगी थी मैं भी अच्छे से धूप में बैठी हुई बहुत मज़ा आ गया मुझे आज धूप सीखने का क्योंकि मुझे थोड़ा लेट निकलना था इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी देर धूप सीख लेते हैं आराम से अब मैं पापा के लिए दाल बना रही हूँ क्योंकि मेरे पापा बेचारे थक के आते हैं सबके फादर थक के आते हैं ऑफिस से तो मैं नहीं चाहती कि पापा आके खाना बनाए रात को तो इसलिए मैं पापा के लिए दाल बना रही हूँ और मेरे पापा की फेवरेट दाल मूँगी है क्योंकि पापा पतली दालें खाते हैं मोटी दालें नहीं खाते तो क्योंकि दर्द हो जाती है ना बॉडी में तो इस वजह से तो मैंने पापा के लिए मिक्स दाल बनाई थी और मैं फटाफट से तड़का लगा रही हूँ एक्चुअली मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की थी सारा काम करने के बाद गई मैं और आ, मतलब कि आप आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही छोटी सी वीडियो बनी है दो तीन दिन की मैंने बनाई है बट छोटी छोटी वीडियो बनी है अरे मैं बर्तन धो रही हूँ यहाँ पर देखो कितने सारे बर्तन हैं मेरे को धोने के लिए तो चलो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ क्यों आपको बोर करूँ बर्तन धोने के लिए वन टू और ये थ्री मेरे सारे के सारे बर्तन धुल गए अरे मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ बहुत <laughs> क्यों आप क्या देखोगे आप मेरे को बर्तन धोते हुए और मेरी दाल भी बन चुकी है तो चलो मैं फटाफट से तैयार हो लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पहले तो मुझे कुछ काम है और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी बड़ी मम्मी के घर ये सरप्राइज था मतलब ये सस्पेंस था तो चलो मैंने फटाफट से काम तो कर दिया है और मैं लेट हो गई रुचि मेरा वेट कर रही है क्योंकि आज तो मुझे गालियाँ पड़ जाएगी और फ़ोन आ गया उसका तो जिस टाइम मैं निकली थी घर से उस टाइम कोई ऐसा ही हुआ था दो बज रहे थे हाँ इतना टाइम तो हो ही गया था हाँ ये, एक ये या दो बजे थे और शिमला का मौसम दिन में कुछ इस तरीके से होता है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था और बहुत ही अच्छी धूप लगी थी यार बादल तो मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा था मतलब बहुत कम बादल थे और अब हम बस में बैठे हैं दिन में थोड़ा रश भी कम होता है तो हम जा रहे थे ई कार्ट वालों के ऑफ़िस में बट हम गलत आ गए हमारे को यहाँ से ऊपर को जाना पड़ेगा बहुत चलना पड़ता है यार किस्मत में इतना चलना क्यों लिखा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो, हम जा रहे हैं छोटा शिमला और अभी क्या बोलूँ आपको सांस फूल रही है तो रुचि अपना कुरियर लेने आई थी बट काम नहीं हुआ बहुत ही दुख हुआ मुझे और हमें भूख लगी थी इसलिए हम बर्गर खा रहे थे यहाँ पर मैं और रुचि तेरा कब आएगा रुचि अब कैसे <laughs> इधर देख मास्क <laughs> कैसा चटनी <laughs> अभी हमें छोटा शिमला में और यहाँ पर हिमाचल की संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई है हिमाचल की देवी देवताओं के बारे में और अब मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी के घर क्योंकि मैं इसलिए बड़ी मम्मी के घर जा रही क्योंकि भैया का बर्थडे है और ये है भैया का बर्थडे केक बर्थडे केक जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही अच्छा खाने में भी था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये और अब भैया केक काटेंगे भैया ने जल्दी जल्दी केक काटा क्योंकि भैया को वापस ऑफिस जाना था और मैंने और आदित्य ने तो भर भर के कॉली प्लेट भर भर के केक खाया क्योंकि हम थोड़े से ही लोग थे और केक भी मार को मज़ेदार टेस्टी लगा था बहुत ही अच्छा केक बनाया था तो आज भैया का बर्थडे है और हम लोग यहाँ पर केक खा रहे हैं मैं हूँ आदि है भाभी है भैया है, है हम सब बैठे हैं यहाँ पर और आदित्य भी है बैठा हुआ और ये है मेरा केक तो अब मैं डिनर कर रही हूँ यहाँ पर और भाभी ने क्या बनाया भाभी आपने क्या बनाया है आज आलू राजमा आलू राजमा बनाया तो मैं टेस्ट करती है तो भाभी की रिएक्शन बताती कि मेरी भाभी कैसा खाना बनाते हैं मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं सीरियसली में और आज अभी बच्चों ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया था बड़ी मुश्किल से दो मिनट के लिए शांत बिठाया मैं क्या मैंने वीडियो एडिट करनी है आदि बिल्कुल चुप बैठा है तो चलो अब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ तो अब मैंने खाना तो खा लिया भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था और मैं क्या कर रही हूँ मैं पाँव धो रही हूँ और गरम-गरम पानी से क्योंकि मैं मैं आज बहुत चली हूँ कल भी हम घूमने गए थे तो कल भी बहुत दौड़ाई हुई थी और हाय पाँव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है रात को है ना चलो मैं पान पाँव धो लेती हूँ और अपना फेस भी क्लीन करना है मुझे भी मैंने लाइनर भी नहीं उठाया और आज मेरी फेस की ना कुछ हालत मुझे खराब भी लग रही है बहुत रिलीफ मिलता है पाँव धो के गर्म गर्म पानी से मुझे नींद नहीं आती अगर मैं रात को पाँव धो के ना सो तो मैंने अपना फेस क्लीन तो कर दिया है अच्छे से और अब मैं अच्छी जी वो लगाऊंगी नाइट क्रीम और उसके बाद उसके बाद आराम करेंगे ठीक है अब, 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 अब में के लो। के लो। अभी ज़रूर अपना फ़ेस क्लीन करना गुड मॉर्निंग अभी मैं जा रही हूँ दुकान और कुछ लेके आते हैं ब्रेड और मक्खन खाने के लिए फिर ब्रेकफास्ट करेंगे हम और अभी अभी उठे हैं बहुत लेट उठे मज़ा ही आ गया आज तो बहुत अच्छा लग रहा है छोटा शिमला में आके और अभी मैं जा रही हूँ दुकान क्योंकि मुझे सामान लेके आना है हमने ब्रेकफास्ट करनी है और ब्रेड और मक्खन लेके आते हैं कुछ अच्छा सा हो जाए ब्रेकफास्ट में और बहुत ही अच्छा मुझे मौसम लग रहा था वॉकिंग के लिए भी एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सामने यहाँ से चक्कर दिखाई दे रहा है पहाड़ से और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेड और मक्खन भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से सुबह सुबह मॉर्निंग वो बनाया था हमारे लिए टोस्ट जैसा ब्रेकफास्ट अच्छे से गर्म करके और हम सब बैठ के यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैं गाँव नहीं गई तो मैंने सोचा चलो आदि वगैरह से मिल के आते हैं तो अब हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी और आप पीछे व्यू देख सकते हो आपको कुछ ग्रीन येलो येलो रेड रेड दिखाई दे रहा है पीछे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है बैकग्राउंड में और मैंने आज क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ मैंने भाभी ने आज मिलके खाना बनाया है तो हमने बनाई है आप देख लो खुद ही ठीक है शाम के खाने की तैयारी हो रही है और मुझे तो व्यू पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो पीछे तो मैं तड़का लगा रही हूँ यहाँ पर मेरी कड़ी बन चुकी है और मैं पनीर में तड़का लगा लगाई और मेरी पनीर की ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी मैंने ना क्रीमी पनीर बनाया था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सच में यार मैं क्या तारीफ करूँ बट बहुत ज़्यादा अच्छा बना था मैंने ना दूध डाला था इसमें और ये बहुत मतलब लाजवाब और मज़ेदार बना था और मैंने वीडियो नहीं बनाई मुझे लगा कि रहने देती हूँ वीडियो शेयर करना पर बहुत ही अच्छा पनीर बना था मैंने कड़ी भी मैंने बनाई थी और भाभी ने मेरे को सब कुछ काट के दिया मुझे बढ़िया करके बस मैंने तड़का लगाया कड़छी घुमाई मैंने और थोड़ा सा पनीर बना थोड़ी सी सब्ज़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और मतलब भाभी ने भी मेरी पनीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था और लास्ट में मैं इसको ऐसे ऐसे मतलब आप देख ही सकते हो आप देख के अंदाज़ा लगा लो कि कैसा बना होगा और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैंने थोड़ा सा पानी भी लगाया इसमें वैसे तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रीमी जैसा बना था तो मैंने थोड़ा सा मतलब तरीदार बनाया है इसको चावल के साथ अच्छा लगता है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस का फेवरेट है पनीर मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अब देखो और बताओ कि कैसा बना है पनीर ये देखिए आप सिर्फ के ही सच में मुझे तो अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा पनीर बनाया था यार हमें इसमें और पानी लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ी देर इसको ऐसे उबलने देंगे ना हम इसलिए हमने दो दो सब्जियां बनाई थी और ये देखिए पकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो अब हम डिनर कर लेते हैं अब तो हमने खाना खा लिया है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी आदि कैसी बनी थी सब्जी अच्छी बनी थी आदित्य भी बोल रहा है ऑफ कैमरा है बहुत अच्छा खाना बना था तो चलो ठीक है आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ कल मुझे कॉलेज भी जाना है तो मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद ब्लॉग को एंड करती हूँ अभी हमने सोने जाना है परे और इतनी सी ही वीडियो थी जब हम बाहर आते हैं तो नहीं लग पाता टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए मुझे पता है हर चीज़ के लिए टाइम निकाल के करना पड़ता है तो चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखें कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ नए आइडियाज के साथ अभी छोटे सा बच्चू है यहाँ पर तो चलो ठीक है बाय बाय